Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my next video lecture. Today we will try to understand the mechanism of enzyme action, lock and key model, and enzyme specificity. Mechanism of enzyme action. कोई भी एंजाइम किस तरह से कैटालिसिस कर रहा होता है इनिशियली. In first step, a temporary enzyme-substrate complex is formed. Here you can see that enzyme plus substrate, it will form enzyme-substrate complex. The enzyme catalyzes the reaction and substrate is transformed into product. After this enzyme-substrate complex formation, then this enzyme will separate itself from the complex. And enzyme is released and product is formed. अब इस मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के हवाले से इन 1894 ईमेल फिशर प्रपोज्ड ए लॉक एंड की मॉडल. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट पॉजेस स्पेसिफिक शेप्स दैट फिट एग्जैक्टली इनटू वन अनदर. जिस तरह से एक स्पेसिफिक की एक स्पेसिफिक लॉक को ही ओपन कर सकती है, तो एग्जैक्टली एक उन दोनों की स्ट्रक्चर स्पेसिफिक है. तो एग्जैक्टली इस तरह से वो ये कहता है कि जो एंजाइम की स्ट्रक्चर है वो भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, और दूसरा जो सबस्ट्रेट है उसकी स्ट्रक्चर भी स्पेसिफिक होती है. दोनों की जो शेप्स हैं वो स्पेसिफिक होती है, जो कि एक दूसरे के अंदर फिक्स हो सकते हों. तो वही सिर्फ एंजाइम उसी सबस्ट्रेट को कैटलाइज करेगा जिसके अंदर वो फिक्स आ सकता है. दिस मॉडल एक्सप्लेन्स द एंजाइम स्पेसिफिसिटी. कि एक एंजाइम सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर सकता है. जाहिर है कि एक ही सबस्ट्रेट जो है वो उसी एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर फिक्स आ सकता है, और उसके अलावा बाकी जो जितने भी बाकी के सबस्ट्रेट्स हैं उन सब के लिए तो एक ही एंजाइम उनको कैटालाइज नहीं करेगा. यही मॉडल क्या करता है कि दिस एक्सप्लेन्स द एंजाइम स्पेसिफिसिटी. हियर यू कैन सी इन डायग्राम दैट दिस इज एंजाइम. एंजाइम की जो शेप है वो इस टाइप की है, एंड सबस्ट्रेट की शेप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है. तो यही सबस्ट्रेट का शेप इसी एंजाइम के अंदर फिक्स आ सकता है. तो फर्स्ट इट विल फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. आफ्टर दैट ये फिर अनस्टेबल होता है. ये कुछ सेकंड्स के लिए बनता है, ये अनस्टेबल होता है, और ये फौरन कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्रोडक्ट एंड एंजाइम. एंजाइम वहां से रिलीज हो जाएगा और ये दो प्रोडक्ट्स बनेंगे. तो की एंड लॉक मॉडल जो है वो इसी चीज को, एंजाइम स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन करता है, जिसमें वो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक एंजाइम रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है या सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है. तो इसके लिए दोनों एंजाइम और सबस्ट्रेट का स्पेसिफिक शेप होना लाजमी है, जो एक दूसरे के अंदर फिक्स आ सकते हों. अगर इसकी जगह कोई और शेप की अगर सबस्ट्रेट होती तो वो कभी भी इस एंजाइम की इस शेप के अंदर वो कभी फिक्स नहीं आती, तो वो इसको कैटालाइज नहीं कर सकता है. तो जिस टाइप का भी एंजाइम का शेप होगा, अकॉर्डिंग टू दैट एंजाइम शेप सबस्ट्रेट का भी शेप होनी चाहिए जो कि ईजिली उसके अंदर फिक्स आ जाए, एंड इट विल ईजली convert this substrate into product. In 1958, an American biologist Daniel proposed induced fit model. अब वो ये कहता है कि key and lock model वो इतना applicable नहीं है, बल्कि उसकी जगह एक और model उन्होंने पेश किया induced fit model के नाम से. According to this model, the active site is not a rigid structure. Rather, it is a model into the required shape to perform its function. वो ये कहता है कि कोई active site की जो structure है वो कोई rigid structure नहीं होती, बल्कि वो एक flexible structure होती है, जो सबस्ट्रेट के करीब जाने के बाद उस फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन आ जाती है, थोड़ी बहुत उसके अंदर चेंज आ जाती है. चेंज की वजह से वो एंजाइम का जो शेप, जो सबस्ट्रेट का शेप है, उस तरह का शेप बना लेता है, उसके बाद जाके वो फिक्स हो जाता है. आई एम रिपीटिंग अगेन, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट इज नॉट रिजिड स्ट्रक्चर, बल्कि वो एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है. एक्टिव साइट कौन सा साइट है? एंजाइम का. एंजाइम का वो साइट जो डायरेक्टली रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, दैट इज नोन एज एक्टिव साइट.
तो एक्टिव साइट एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, इट इज़ ए फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर जिसके अंदर एबिलिटी है कि वो उसके अंदर चेंज, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो जाती है, थोड़ा सा उस एक्टिव साइट के अंदर थोड़ी बहुत स्ट्रक्चरल चेंज आ जाती है। ये चेंज कब अपीयर हो जाती है? जब सबस्ट्रेट जो है वो उसके करीब जाता है, तो वो एग्जैक्ट सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर जैसा अपना एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर भी बना लेता है। पहले से थोड़ी बहुत उस जैसी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्टिव साइट इसकी बिल्कुल डिफरेंट है टू डेट ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की तरह का शेप पहले से ही उस एंजाइम का थोड़ा बहुत शेप उस तरह का होता है, लेकिन फर्दर जब सबस्ट्रेट उसके करीब चला जाता है तो एक्टिव साइट के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो जाती है, स्ट्रक्चरल चेंज आ जाती है, जिसकी वजह से ये एग्जैक्ट सबस्ट्रेट जैसा स्ट्रक्चर ये यहाँ पे अपीयर हो जाती है। तो वो ईजली वो सबस्ट्रेट उसके अंदर जाके फिक्स हो जाता है। एक्टिव साइट चेंजेस its shape, after this it will form enzyme substrate complex, and this type of model is more acceptable than Key and Lock model. And then we have specificity of enzymes. There are 2000 known enzymes, each involved in one specific chemical reaction. Enzymes are also specific and their substrates are obviously also specific. For example, protease आपने नाम सुना होगा, जो कि proteins को break down कर देता है, which break peptide bonds in proteins, will not work on starch, which is broken down by enzyme amylase. Amylase specific है starch के लिए, जो starch को break down कर देता है, and protease specific है proteins के लिए, जो protein के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको ब्रेक करता है। तो आप प्रोटीएज को ले जाके स्टार्च के ऊपर ग्रेट करवाते हैं तो वो कभी भी उस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करेगा, या एमाइलेज को ले जाके आप प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करवाते हैं तो वो कभी भी उसको कैटलाइज नहीं करेगा, बट दे आर स्पेसिफिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।